हेलो फ्रेंड्स, निर्मल स्वाद किचन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने आ रहे हैं वो राजस्थान की एक फेमस रेसिपी है। आज हम बनाने वाले हैं राजस्थान का फेमस लाल मिर्च का अचार। ये मिर्च अक्सर सर्दियों में आती है, उसके लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, कढ़ाई में हम कुछ मसालों को भूनेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर सरसों के दाने डाले हैं, आप राई भी डाल सकते हैं। साथ में 1/2 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून मेथी, 2 टीस्पून सौफ, साबुत भी आप यूज़ कर सकते हैं या फिर पाउडर भी, जो ग्रीन वाली सौफ आती है वही हमने यहाँ पर यूज़ की है। साथ में 1 टीस्पून धनिया पाउडर। धनिया हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि इससे अचार ख़राब हो जाता है। कुछ मसालों में थोड़ा मॉइस्चर होता है, अगर आप अचार को लंबे समय तक स्टोर करना चाहते हैं तो हम जो अचार में अपने मसाले डालकर तैयार करेंगे उसमें से कुछ मसालों को हम सबसे पहले ड्राई रोस्ट करेंगे। ऐसा करने से उनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाएगा और जो अचार है आपका वो लंबे समय तक टिका रहेगा, यानी कि एक बार आप अचार बनाकर 6 महीने तक स्टोर करके रख सकती हैं। सभी चीज़ों को हम लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट करेंगे, ऐसा करने से मसाले नहीं जलेंगे। इस प्रकार से ठंडा होने के बाद हम मिक्सी के जार में डालकर इसका एक बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेंगे। आप किसी भी तरह की गाजर मूली का अचार या फिर कोई भी मिर्च का अचार डाल रहे हैं तब आप इस प्रकार से इस मसाले को एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं और जब चाहे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लाल मिर्च ली है, लाल मिर्च को हमने अच्छे से वॉश करके उसके बाद धूप में सुखा दिया है। ऐसा करने से इनका जो पानी है वो भी अलग हो जाएगा और जो मिर्च का अचार हम बनाकर तैयार करेंगे, ऐसा करने से मिर्च लंबे समय तक इसका अचार टिका रहेगा। ये मिर्च मोस्टली सर्दियों के दिनों में आती हैं, तो आप सर्दियों में अचार को इस प्रकार से बनाकर तैयार करेंगे तो ईजिली अगली आने वाली सर्दियों तक 6 महीने तक आप इसको इजीली स्टोर कर सकते हैं। इस प्रकार से आप देख सकते हैं मिर्चियों को हमने बीच में से कट कर लिया है। उसके बाद जो हमने मसाला बनाकर तैयार किया था उस मसाले को हमने इस प्रकार प्लेट में निकाल लिया है। टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक ऐड किया है, हल्दी पाउडर, साथ ही हमने इसमें जो लाल मिर्च होती है वो भी ऐड की है, क्योंकि ये जो मिर्च होती है ये बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। साथ में मैंने यहाँ पर हींग और 1 टीस्पून अमचूर पाउडर यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो अमचूर पाउडर को स्किप कर सकते हैं। साथ ही हमने सरसों का तेल लिया है, करीब 40 ml के आसपास इस अचार को बनाने में तेल लग जाएगा। अचार में तेल को डालने के लिए हमने इसमें कच्चा तेल का यूज़ यहाँ पर नहीं करना है, बल्कि तेल को हम अच्छे से पका लेंगे और हल्का गुनगुना होने पर अचार में यूज़ करेंगे। इस प्रकार से हमने तेल को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हमने जो मिर्च को कट करके रखा है इसमें से हम इस प्रकार बिल्कुल जरा सा मसाला जिस जार में हम अचार को बनाने वाले हैं सबसे पहले उसमें डाल देंगे। साथ ही मैंने सोडियम बेंजोएट यहाँ पर डाला है, जो कि हमने अपनी जब जो कोई भी अचार लंबे समय तक हमने स्टोर करके रखना होता है तो सोडियम बेंजोएट डालने से जो अचार होता है उसके जो ख़राब होने के चांसेस हैं वो 0% रह जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो हम अचार बनाकर अपने घर में तैयार करते हैं वो कहते हैं कि हमारे हाथ का अचार नहीं टिकता है, तो ऐसे में सोडियम बेंजोएट का यूज़ आप ज़रूर करें। मसाले के अकॉर्डिंग आप 1 पिंच से 1/2 टीस्पून तक सोडियम बेंजोएट का यूज़ कर सकते हैं। इस प्रकार हमने जो मसाला बनाकर तैयार किया है उसको इस प्रकार से हम मिर्च के बीच में फिल करते जाएंगे और डब्बे के अंदर डालते जाएंगे। सभी मसाले को हमने इस प्रकार से मिर्च के अंदर फिल कर दिया है। जो ये मिर्च होती हैं ये खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं और बहुत कम समय में इजीली बनकर तैयार हो जाती हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट मिर्च बनकर तैयार हुई है। जो मसाला बच गया है वो भी हम इस प्रकार से मिर्च के अंदर ही डाल देंगे। उसके बाद जो हमारा थोड़ा सा बचा हुआ ऑयल है वो भी हम इसके ऊपर इस प्रकार से डाल देंगे। अचार बनकर बिल्कुल हमारा तैयार हो गया है। आप इसको साथ साथ भी खा सकते हैं क्योंकि हमने इसमें अमचूर पाउडर का यूज़ किया है। अब हम इसको 3 से 4 घंटे के लिए तेज़ धूप में रख देंगे। तो हमारा लाल मिर्च का अचार लगभग बनकर पूरा कंप्लीट तैयार हो चुका है। अब हम इसको 4 घंटे धूप में रखेंगे, उसके बाद हम इसको ईजीली खा सकते हैं। अगर आप इस रेसिपी को स्टेप बाई स्टेप फॉलो करेंगे और सब चीज़ परफेक्ट तरीके से करेंगे तो आप भी सेम ऐसा अचार अपने घर में बनाकर तैयार कर सकते हैं। ऐसी रेसिपी हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।